तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साल 1986 से लेकर साल 1987 में आने वाली शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1986 से लेकर साल 1987 तक शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कितनी फिल्मों में काम किया था, कितनी गई थी, कितनी फ्लॉप। तो दोस्तों सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था समय की धार। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ परवीन बॉबी भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, हिट या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का वजह 1.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 50 लाख रुपए कमाई थी। वही पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था ज्वाला। ये मूवी साल 1986 में आई थी। ये फिल्म इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें ज्वाला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, इतिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1986 में, फिल्म का नाम था असली नकली। ये मूवी साल 1986 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना के साथ रजनीकांत भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था राही। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा के साथ संजीव कुमार भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें राही मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 1.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था खुदगर्ज। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, अमृता सिंह, गोविंदा, फरानाज और जितेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था हिरासत। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, फरानाज, मिथुन चक्रवर्ती अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1.5 से 2 करोड़ रुपए के बजट वाली थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था लोहा। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें
हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना के साथ मंदाकिनी, और इसमें धर्मेंद्र भी अहम किरदार में थे, अंग्रेज पुरी भी मुख्य किरदार में थे। अगर हम बात करें लोहा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। ये फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ रुपए कमाए थे। वही पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था हवालात। ये मूवी साल 1987 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना के साथ ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें हवालात मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 3 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हाई बजट होने की बिना पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट करार गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था जवाब हम देंगे। ये मूवी साल 1987 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 से 2 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 2 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सेमी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था इंसानियत के दुश्मन। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना, राज बब्बर, शक्ति कपूर, धर्मेंद्र और इसमें मुख्य किरदार में डिंपल कवाड़िया, अमजद खान भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ रुपए कमाई थी। वही पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी सेमी हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था आग ही आग। ये मूवी साल 1987 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना, डैनी, चक्की पांडे और धर्मेंद्र अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें आग ही आग मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 1 करोड़ रुपए के बजट मनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट करार दी गई थी। अगली फिल्म आई थी साल 1987 में, फिल्म का नाम था जलजला। ये मूवी साल 1987 में आई थी। फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शत्रुघ्न सेना के साथ
दयनीय और इसमें धर्मेंद्र भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें जलजला मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिटिया फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो है वो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 1.5 करोड़ रुपये कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 2 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज करार दी गई थी। तो दोस्तों ये रही शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साल 1986 से लेकर साल 1987 में आने वाली सभी बड़ी फिल्में। तो इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।